हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गूगल वेरिफिकेशन कोड क्या होता है। अगर ये आपके मैसेज में आया है गूगल वेरिफिकेशन कोड, आपने मंगाया नहीं है, अगर आपने रिक्वेस्ट भी किया है वहाँ आपको लिख के आ रहा है गूगल वेरिफिकेशन कोड डाले, तो ये दो तरीके के कोड है। एक आता है हमको, एक OTP के उस पर आता है फ्रेंड्स। OTP जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, हमारे जो ईमेल आईडी के अंदर रजिस्टर होता है उस पर हमको OTP आता है, क्योंकि आपने 2-step वेरिफिकेशन आपका चालू रहता है या आपका मोबाइल नंबर वहाँ अपडेट रहता है, चालू नहीं भी है तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, कोई अगर आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो वो 2-step वेरिफिकेशन का आपको मैसेज आता है, वो नंबर वो डालता है सामने वाला, तो इसके लिए आपको ये गूगल वेरिफिकेशन कोड आता है। तो गूगल वेरिफिकेशन का कोड वो जब सामने वाला डालेगा तो उसको अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो गूगल वेरिफिकेशन का कोड होता है वो किसी को देने का नहीं, वो आपका अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो कोई आपसे गूगल वेरिफिकेशन का कोड मांगता है तो आपको उसको नहीं देना है, आपको डिलीट कर देना है, जैसा आए वैसा डिलीट कर दीजिए और अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। और आपको 2-step वेरिफिकेशन मतलब दो बार फ्रेंड्स लॉक रहता है इसके अंदर, सिक्योरिटी रहती है, डबल सिक्योरिटी रहती है, तो आपको फ्रेंड्स वो कोई ले नहीं पाएगा अकाउंट, और आपका ये जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट हो जाती है। तो 2-step वेरिफिकेशन आपका ऑन रखना है अगर आपको ऐसे कोड आते हैं तो। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गूगल वेरिफिकेशन कोड एक ये होता है कि आप अपने अकाउंट में जब भी लॉगिन करने जाते तो वहाँ गूगल मांगता है, बोलता है इसमें डालो, तो आपको अकाउंट में जाना पड़ता है, वहाँ से आपको लेना पड़ता है। जब आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता तो आप अपने अकाउंट में जाके दूसरे जिसमें आपने लॉगिन करके रखा है वहाँ से भी एक कोड रहता है 10 से 12 नंबर का, वो यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। दो टाइप के कोड होते हैं, एक तो आपको OTP के ज़रिए आता है और एक आपको वहाँ से दूसरे अकाउंट से लेना पड़ता है, दूसरे मोबाइल से वही लॉगिन आप दूसरे मोबाइल में करते हो। तो गूगल वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ये किसी को देना नहीं है क्योंकि इससे हमारा लॉगिन होता है। तो आपको कोई किसी को आपने ये नंबर दे दिया तो वो आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, तो इसलिए आपको किसी को देना नहीं है नंबर। और गूगल वेरिफिकेशन कोड यही होता है, 6 से 7 नंबर होता है उसके अंदर, वेरिफिकेशन करने के बाद सामने वाला एंटर हो जाता है आपके अकाउंट में। इसलिए कभी भी अपना गूगल का जो वेरिफिकेशन कोड होता है, कोई मांगे या आपको बोले इधर भेज दो, व्हाट्सएप से भेज दो, टेलीग्राम से भेज दो, आपको भेजने का नहीं है, आपको वो एड़ा बना रहा है और आपको शाना बनना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, आपको मालूम पड़ गया गूगल वेरिफिकेशन कोड क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी।